नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी रांची के हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी में हुए गैंगवार में पुलिस ने राजू चोटी सहित 9 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लवकू शर्मा का गुर्गा व फुफेरा भाई सोनू शर्मा समेत अन्य शूटरों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SIT के अलावा 5 टीमें बनाई गई हैं। ये टीम बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं गोलीबारी में लालपुर थाना में 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक प्राथमिकी रिम्स में इलाजरत कालू लामा के सहयोगी शुभम विश्वकर्मा के बयान पर दर्ज की गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रारंभिक छानबीन में वर्चस्व की लड़ाई में ही गैंगवार की घटना सामने आ रही है। मोरहाबादी में जिस सब्जी बाजार के ठेले को लेकर विवाद की बात बताई जा रही है, उसका ठेका 10 लाख रुपए में भी लिया गया था। मार्च 2021 में रांची नगर निगम ने ठेका के लिए निविदा जारी किया था। ये ठेका किसी राहुल के नाम से है। 1 साल के ठेके की अवधि मार्च में समाप्त होने वाली है। बताया जा रहा है कि बाजार का ठेकेदार कालू लामा के भाई राजू लामा विश्वस्त है। ठेका दिलाने में राजू लामा की बड़ी भूमिका थी, जबकि इससे पहले मोरहाबादी सब्जी बाजार पर लवकू शर्मा का सिक्का चलता था। जेल जाने के बाद कालू लामा ने बाजार का ठेका लवकू शर्मा से छीन लिया। इधर बाजार के ठेके के लिए विवाद की बात सामने आने के बाद शुक्रवार को DDC विशाल सागर, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, SSP सुरेंद्र कुमार झा, CD सौरभ लाभ लश्कर के साथ मुआयना करने पहुंचे। अधिकारियों ने करीब 30 मिनट तक स्थल का निरीक्षण किया। मोरहाबादी में दिन दिहाड़े गोलीबारी की हड़कंप मचने से लवकू शर्मा गैंग का हाथ सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। जमानत पर जेल से बाहर लवकू शर्मा बिहार के जहानाबाद स्थित अपने पैतृक गांव में छिपा हुआ था। मोबाइल लोकेशन मिलने के बाद रांची पुलिस एक टीम को लवकुश को पकड़ने जहानाबाद भी पहुंची, लेकिन इससे पहले ही पुलिस पहुंचती कि लवकुश शर्मा मोबाइल बंद कर घर से फरार हो गया। पुलिस लवकुश शर्मा के रिश्तेदारों से लेकर छुपने के तमाम ठिकाने पर निगाह रखी हुई है। पुलिस की एक टीम सादे लिबास में संभावित ठिकानों पर गश्त लगा रही है। दूसरी ओर लवकुश शर्मा के बरियातू थाना क्षेत्र के कुसुम बिहार स्थित घर पर भी आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनू शर्मा और उसके शूटर रांची छोड़कर फरार हो गया है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद सोनू शर्मा ने पश्चिम बंगाल की हुगली और ओडिशा के धर्मनगरी पुरी में अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज टॉप इंडिया। नमस्कार।